सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं गुरु पर्वत से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और इसमें मछली के चिन्ह के विषय में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। आप सभी से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें। और यहाँ पर सर्वप्रथम मैं बता दूं कि गुरु पर्वत आपको कहाँ होता है हाथ में। गुरु पर्वत फर्स्ट फिंगर यानी ये तर्जनी होती है और इसके नीचे का ये जो एरिया होता है, जो माइंड लाइन, लाइफ लाइन, ये आपकी माइंड लाइन हो गई, ये लाइफ लाइन है, और ये हार्ट लाइन, इसके बीच का जो ये एरिया है, यही आपका गुरु का पर्वत है। इसको बृहस्पति पर्वत, जुपिटर माउंट भी कहा जाता है। ये गुरु पर्वत व्यक्ति के ज्ञान के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं रहती हैं यानी जो एम्बिशन रहता है उसके विषय में, गर्व के बारे में कि कैसा व्यक्ति अपने ऊपर प्राउड फील करता है, कैसा एटीट्यूड है, ईगो है, आत्मसम्मान इस व्यक्ति का कैसा रहेगा, अपने बारे में ऐसा व्यक्ति कितना जानता है, फैमिली कनेक्शन कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, गवर्नमेंट जॉब अगर कर रहे हैं तो उसमें पोस्ट कैसा रहेगा, राजनीति से कुछ कनेक्शन रहेगा कि नहीं, इसके अलावा ससुराल पक्ष कैसा रहेगा, ये सारी की सारी जानकारी एक ही बार में गुरु पर्वत से मिल जाता है। और गुरु पर्वत सबसे अगर मेन कारक है तो वो है ज्ञान का और व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन के विषय में। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब मछली का चिन्ह यहाँ पर बनता है तो वो थोड़ा सा यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि चाहे किसी भी डायरेक्शन में बना हो, कुछ इस प्रकार से भी मछली का चिन्ह देखने को मिलता है, उल्टा यहाँ पर बना हुआ होता है, कभी यहाँ पर लाइफ लाइन के द्वारा कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है, तो कभी इंडिपेंडेंट कुछ ऊपर की ओर इस प्रकार से बना हुआ होता है। चाहे जैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी यहाँ पर मछली का चिन्ह बने, बहुत ही शुभ यहाँ पर माना जाता है। गुरु एक पर्वत ऐसा ही है जहाँ पर क्रॉस का साइन, मछली का साइन और किसी भी प्रकार का साइन बना दीजिए, एक्सेप्ट तिल और जाली का साइन छोड़ करके, सारे के सारे साइन का महत्व बहुत अच्छा होता है। सबसे पहला कि गुरु पर्वत अच्छा उभरा हुआ होना चाहिए और जब भी यहाँ पर फिश साइन चाहे जैसे भी बन रहा हो, ये बहुत शुभ माना जाता है। ये बहुत अच्छे धन के योगों को बता होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही धनवान होता है, फैमिली का सुख बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि गुरु पर्वत दाम्पत्य जीवन के विषय में बताता है। तो ऐसे व्यक्ति का मैरिड लाइफ के पहले भी हर प्रकार की सुख सुविधा मिली हुई होती है और मैरिड लाइफ के बाद सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिला हुआ होता है, उसका सहयोग अच्छा मिलता है और दोनों पति पत्नी मिलकर जीवन में उन्नति उसके बाद बहुत अच्छे कर लेने वाले होते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के पास नॉलेज खूब होता है, क्योंकि गुरु ही एक पर्वत है जो ज्ञान का कारक होता है, व्यक्ति के ज्ञान के विषय में बताता है। ऐसा व्यक्ति समाज में खूब इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उसके अलावा बहुत धार्मिक ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं और अपने बुद्धि विवेक के बलबूते पर जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। थोड़ी और जानकारी यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि मछली का चिन्ह के अलावा कुछ कुछ रेखाएं और होती हैं जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम ऐसे व्यक्तियों को देती है। अगर आपके हाथ में ये जीवन रेखा है आपकी ये, और इस जीवन रेखा में से निकल के कहीं से भी शाखा निकल के आपके गुरु पर्वत तक जाए, तो ये यहाँ पर ये बताता है कि आपके अंदर जो गर्व रहेगा, जो आप प्राउड फील करेंगे, तो वो अपने फैमिली लाइफ से रिलेटेड आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्व रहेगा। आप अपने फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर अगर माइंड लाइन, ये माइंड लाइन होता है, माइंड लाइन से ही अगर प्रोग्रेस लाइन आपके निकले, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा ही गर्व करने वाला होता है। कुछ लोग इसको घमंड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये असल में घमंड नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर प्राउड फील करते, तो वो उस प्रकार का एटीट्यूड ही मेंटेन अपने आप हो जाता है। और कभी कभी हृदय रेखा से भी कनेक्शन गुरु का हो जाता है। जब इस प्रकार से आपका हृदय रेखा का कनेक्शन गुरु से हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है और गर्व ऐसे लोग महसूस कर लेने वाले होते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें गुरु पर्वत से रिलेटेड। अभी पूरी की पूरी सीरीज़ आएगी गुरु पर्वत पर, जिसपे आप सभी के रेखाओं के बारे में, चिन्हों के बारे में, गुरु पर्वत से रिलेटेड जितनी जानकारी रहेगी आने वाले वीडियो में ज़रूर आएगा, तो उसको ज़रूर आप देखिए। और इसके अलावा जो भी अगर आपके मन में प्रश्न है, कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि अगले वीडियो में मैं उन सब चीज़ों को भी कवर कर सकूं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें गुरु पर्वत से रिलेटेड। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।